नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं योग माया यहाँ हीटेड डिबेट्स के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति हीटेड डिबेट्स के सौजन्य से इस बार माता के 9 रूपों का विवरण आपके समक्ष लेकर आई है। तो इस प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आज हम जिस माता के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं उनका नाम है देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री नाम 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता या प्राप्ति और दात्री का अर्थ है दाता। हिंदू तिथि पत्र के अनुसार आज नवरात्रि का अंतिम दिन है जो कि अष्टमी तथा नवमी तिथि है और ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2081 में पड़ रहा है। आज के दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उस साधक के लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। आइए हम पहले माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में जानते हैं। ये देवी एक शांत और उज्जवल देवी है जो दिव्य आभा बिखेरती है। रहस्यमय योग शक्तियों अष्ट सिद्धियों की दात्री माँ को मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों, असुरों, यक्षों और सिद्धों द्वारा प्रसन्न किया जाता है। लाल साड़ी में सुशोभित माँ अपने 4 हाथों में पूरी तरह से खिला हुआ कमल, शंख, गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। गुलाबी कमल पर आनंद पूर्वक विराजमान रहती है। उनके चेहरे पर एक मन भावन मुस्कान हमेशा सुशोभित रहती है क्योंकि वो अपने भक्तों को सफलता, शांति और संतुष्टि के लिए सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। खिले हुए कमल का होना यह आध्यात्मिक साधक के खिलने का प्रतीक है। गदा का होना अहंकार पर अंतिम प्रहार का प्रतीक है। चक्र का होना साधक के संचित कर्मों को काटने का प्रतीक है। शंख का होना शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। लाल साड़ी शुभता तथा कार्य की संपूर्णता से होने का प्रतीक है। आइए अब हम सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी भागवतम के 3रे स्कंद में देवी कुष्मांडा की कहानी में हमने देखा कि कैसे देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने महाशक्तियों का निर्माण किया जो कि महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। इन महाशक्तियों से उन्होंने काल चक्र को चलाए रखने के लिए त्रिमूर्ति का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा द्वारा त्रिमूर्ति की रचना करने के बाद भगवान शिव ने सृष्टि में अपनी भूमिका निभाने हेतु गहन साधनाएं की। फिर माँ कुष्मांडा ने देवी सिद्धिदात्री नामक एक और देवी की रचना की जिन्होंने कृपा पूर्वक भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। ये अष्ट सिद्धियां हैं। पहली, अनिमा, अपने आप को छोटा कर पाने की क्षमता।
दूसरी महिमा, अपने आप को असीम रूप से बड़ा कर पाने की क्षमता। तीसरी गरिमा, अत्यधिक भारी होने या वजन बढ़ाने की क्षमता। चौथी लघिमा, अत्यधिक हल्का होने या वजन कम करने की क्षमता। पांचवी प्राप्ति, इच्छित वस्तु प्राप्त करने या किसी भी स्थान पर पहुंचने की शक्ति। छठी प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को पूरा कर पाने की क्षमता। सातवीं ईशत्व, सभी भौतिक तत्वों या प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता। आठवीं वशित्व, किसी पर भी प्रभाव डालने की क्षमता। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के उपरांत माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया, इसलिए शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज की इस कथा से हमने ये जाना कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप कितना महत्वपूर्ण है और ये दर्शाता है कि स्त्री तथा पुरुष के साथ साथ चलने पर ही सृष्टि का सृजन संभव होता है। इसी वजह से हमें स्त्रियों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना महत्व हम पुरुषों को अपने समाज में देते हैं। मां सिद्धिदात्री का आवाहन और उनसे जुड़कर आप उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने अस्तित्व में आमंत्रित करते हैं। उनका आशीर्वाद आपको निपुणता की स्थिति तक ले जाता है, जहां आपके कार्य उत्कृष्टता से भर जाते हैं। सिद्धिदात्री माँ का आशीर्वाद उनके भक्तों में आंतरिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास पैदा करता है, जिससे उन्हें स्वयं अपने उद्देश्य और अपने आध्यात्मिक क्षमता की गहरी समझ मिलती है। माँ का आशीर्वाद एक भक्त को आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर स्तर तक ले जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री के मंदिर भारत में कहाँ कहाँ है, ताकि साधक और हमारे हीटर डिबेट्स का परिवार उसका लाभ उठा सके। माता सिद्धिदात्री के मंदिर आपको सतना मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, वाराणसी यूपी एवं देव पहाड़ी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। हमें आशा है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से आप माँ सिद्धिदात्री के बारे में बहुत कुछ जान पाए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है या माँ सिद्धिदात्री को और जानने की जिज्ञासा है, तो प्लीज कमेंट्स में #आस के साथ हमारे लिए अपने प्रश्न जरूर डालें। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब नारी शक्ति या हीटर डिबेट्स दे पाए। महानवमी आनंद, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन का समय है, क्योंकि भक्त कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ माँ सिद्धिदात्री सहित देवी के नौ रूपों को विदाई देते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी नारी शक्ति की टीम को, जो कि माँ शैलपुत्री दुर्गावती, माँ ब्रह्मचारिणी काव्या, माँ चंद्रघंटा पूजा, माँ कुष्मांडा लायनेस, माँ स्कंद माता शुवा, माँ कात्यायनी चंद्रकांता, माँ कालरात्रि गार्गी एवं माँ महागौरी गौरा को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने बीते 8 दिनों में आप सबके समक्ष देवी के 9 रूपों की कथा एवं महत्ता बताई। और ये आशा करूँगी कि आप सभी जो हमें सुनते हैं, वो इस प्रस्तुति को हर एक भारतीय तक पहुँचाएं। अंततः आइए सब मिलकर माता रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलो अम्बे मात की जय, जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय, बोल सचिया जोता वाली माता
तेरी सदा ही जय, सदा ही जय। धन्यवाद, नमस्कार।